नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 58 प्रश्न पत्र 1986 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 5 मिनट तथा गति 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, संसद में बहस चल रही थी कि देश में जो विद्वान लोग हैं, जो वैज्ञानिक है या जिनके द्वारा इस देश की उन्नति हो सकती है, उन लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो, इसमें सवाल जांच का है। हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी कि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सवाल यह है कि आपके विभाग में कृषि संस्थान की व्यवस्था में ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक वैज्ञानिक निराश होकर इस संसार से उठ गया। हमें इसी बात की जांच करनी है। हम नहीं कहते कि भारत में किस प्रकार के लोग पैदा होते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको पूरा अवसर दिया जाए। हम किसकी वकालत करते हैं, यह भी यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। भारत के अंदर अगर कोई वैज्ञानिक आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्रगति होनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक है तो उसकी उन्नति होनी चाहिए, जिससे देश की भी उन्नति हो। हमने देखा है कि कुछ समय पहले लोगों ने यह आवाज़ उठाई थी कि हमारी व्यवस्था बहुत गलत है। उसके बाद भी आवाज़ उठी थी कि इस व्यवस्था में हमें कुछ सुधार लाना चाहिए। हमारी व्यवस्था में कहीं कमजोरी है जिसको सुधारने के लिए जांच करनी चाहिए। हम यह न कहे कि यह अच्छा है और वह बुरा है। पैराग्राफ चेंज। यह प्रस्ताव इस बात पर सीमित हो गया कि हमें जांच करनी चाहिए कि व्यवस्था में खराबी है या नहीं। तब हमें अपने को उन्हीं बातों तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि कौन सा वैज्ञानिक अच्छा है। किसी ने एक की प्रशंसा की पुल बांध दिए तो दूसरे ने उसकी बुराई की, यह नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव यह था कि भारत में अपने देश के विकास में लगे जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति का शिकार न बनाया जाए। इसलिए कृषि संस्थानों में वैज्ञानिक अपना विकास कर सके और हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। कभी कभी राजनीतिज्ञ हर जगह टांग अड़ाते हैं, लेकिन साथ ही मेरा यह मत है कि वैज्ञानिकों को भी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। स्थितियों का समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर वह समझता है कि
आत्महत्या करने से देश सुधर सकता है तो गलत है। देश के वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे स्थिति का मुकाबला करें। तो मुझे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।